अब मैं सीधा दिव्या अग्रवाल का रुख करती हूं वेस्ट दिल्ली में। दिव्या बात कीजिए, यहां पर तो महिला कैंडिडेट भी हैं। बिल्कुल आशा, देखिए जैसे जैसे दोपहर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि गर्मी की वजह से लोग जो है वो कम बाहर निकलेंगे, क्योंकि सुबह मैंने जो देखा माहौल, सुबह बड़ी संख्या में लोग थे। लेकिन इस वक्त मैं नजफगढ़ इलाके में हूँ, सुरहरा गांव है ये, और ग्रामीण इलाका बहुत पश्चिमी दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में है, चूंकि हरियाणा से सटा हुआ है। लेकिन आप देखिए तादाद कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं जो है वो पहुंची हुई है और बढ़ चढ़कर मतदान का जो ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें हिस्सा ले रही हैं। तमाम यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में लाइन में लगी हुई हैं। आप लोग इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं, क्या जहन में चल रहा है, कौन से मुद्दे हैं, एक आप जैसी महिलाओं को क्या चाहिए? कोई सोच नहीं है जी आंटी जी? हाँ बताइए। सोच तो काफी है, कोई पूरा तो नहीं करते? नहीं नहीं, कौन कौन क्या सोच है, ऐसा क्या लगता है क्या होना चाहिए? बिजली पानी ये सब मुद्दे हैं या राष्ट्रीय मुद्दे हैं? बस क्या कहे, बस कुछ नहीं। आपके गांव में, आपके गांव में क्या है? पानी की भी है, मीठा पानी रही, खारी पानी है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। बिजली का बिल इतना आता है, फ्री है क्या? फ्री है। अच्छा हाँ, नहीं जब हाँ क्या कह रहे हैं आंटी? रोज की लाइट जा रही, खारा पानी पीने लग रहे, समस्या तो है ही। और वोट दे रहे आगे हो, देखो वोट से पीछे नहीं हटे हम। तो आपके लिए भी हम क्लैपिंग करेंगे कि देखिए आप बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले रही हैं। अच्छा, पानी एक बड़ी समस्या है, बिजली भी एक बड़ी समस्या बता रही है। बिजली एक बड़ी समस्या बता रही है। हाँ, बिजली और पानी, कच्चा पानी पी रहे हैं हम। तो जो पानी मुफ्त बिजली मुफ्त इस तरह की जो दावे किए गए थे, क्या कहा जाए इस पर? 75 सालों में देश की राजधानी, देश की राजधानी में मूलभूत समस्याएं, बिजली पानी गिनवाती महिलाएं, आधी आबादी आपको नजर आई। हम फिर आपको एक ब्रेक के बाद दोबारा ग्राउंड पर लिए चलेंगे और ग्राउंड जीरो से मतदाताओं के मन की बात आप तक पहुंचाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद